गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू अवर ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस बाय सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू रीड चैप्टर 2, एनिमल्स लिविंग एंड सर्वाइविंग, एंड वी आर रीडिंग द टॉपिक एडप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, मीन्स सुरक्षा के लिए अनुकूलन. लेट स्टार्ट दिस. एनिमल्स आर हंटेड एंड ईटन बाय अदर एनिमल्स. जानवर दूसरे जानवरों के द्वारा शिकार कर लिए जाते हैं और खा लिए जाते हैं. सो दे आर नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम देयर एनिमीज इन देयर सराउंडिंग. तो उनको उनके आसपास के आवास में रहने के लिए सुरक्षा की ज़रूरत होती है अपने दुश्मनों से. लेट अस सी हाउ एनिमल्स एडप्ट देमसेल्व्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर एनिमीज. चलो कुछ जानवरों के बारे में पढ़ते हैं जो खुद की उनके दुश्मनों से रक्षा करते हैं. फर्स्ट इज कोमोफ्लैगिंग. कोमोफ्लैगिंग को हिंदी में कहते हैं छलावरण. सम एनिमल्स लाइक बटरफ्लाईज, टोड्स, ग्रास होपर्स, लीफ इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट हाइड फ्रॉम देयर एनिमीज बाय हैविंग बॉडी कलर और शेप दैट ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग. कुछ जानवर जैसे कि तितलियां, जैसे कि मेंढक, जैसे कि ग्रास होपर, टिड्डे, जैसे कि लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट, ये अपने आप को दुश्मनों से बचा लेते हैं क्योंकि इनके बॉडी का कलर, इनके शरीर का कलर और इनके शरीर का आकार इनके आसपास के आवास में घुल मिल जाता है. Similarly, many hunting animals like lions and tigers also avoid being seen by their prey by having body color and spot on their bodies that help them to blend with their surrounding. इसी तरह से कुछ शिकार करने वाले जानवर जैसे कि शेर और चीते, ये भी अपने शिकार को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि इनके शरीर क्योंकि कुछ जानवरों का शरीर उनका शरीर का रंग और उनके शरीर पर पाए जाने वाले धब्बे ये उनके आसपास के वातावरण से घुल मिल जाते हैं. दिस टाइप ऑफ ब्लेंडिंग विद सराउंडिंग इज कॉल्ड कोमोफ्लैगिंग. इस तरह से उनका अपने आसपास के वातावरण में घुल मिल जाना कोमोफ्लैगिंग कहा जाता है. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कोमोफ्लैग. और इस तरह के जानवरों को कैमोफ्लैग कहा जाता है. शेल्स एंड स्पाइंस. आवरण या फिर इनके अंदर का खोल और कांटे. टॉर्टोइस एंड स्नेल हैव हार्ड शेल दैट कवर एंड प्रोटेक्ट देयर सॉफ्ट बॉडीज. टॉर्टोइस और स्नेल जैसे कि टॉर्टोइस और स्नेल इनके शरीर के बाहर एक कठोर आवरण होता है जो इनके अंदर जो इनके कोमल शरीर को बचाता है. द पोर्क्यूपाइन एंड द हेजहॉग हैव शार्प स्पाइंस और क्विल्स. पोर्क्यूपाइन और हेजहॉग के पास नुकीले कांटे होते हैं. द क्विल्स ईजीली कम लॉस इट टच एंड स्टिक टू द एनिमीज स्किन. ये क्विल्स आसानी से ढीले हो जाते हैं और इनके दुश्मनों के शरीर पर चिपक जाते हैं. दे कैन केस पेनफुल वाउंड्स और इन्फेक्शंस जिनसे इनके शिकार करने वाले जीव के को घाव हो जाते हैं और दर्द होता है और संक्रमण हो जाता है. स्ट्रॉन्ग लेग्स. मजबूत पैर. सम एनिमल्स लाइक जिराफ, डियर एंड ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स. कुछ जानवर जैसे कि जिराफ और हिरन और ऑस्ट्रिच इनके पास मजबूत पैर होते हैं. दे कैन रन वेरी फास्ट वेन एवर दे सेंस एनी डेंजर. जब ये किसी खतरे को महसूस करते हैं तो ये बहुत तेज दौड़ सकते हैं. द जिराफ हैज़ ब्लैक कलर टंग अबाउट 45 सेंटीमीटर इन लॉन्ग. एक जिराफ के पास एक ब्लैक कलर की लंबी जीभ होती है जो 45 सेंटीमीटर तक लंबी होती है. इट कैन क्लीन इट्स ईयर्स विद इट्स टंग. और यह
अपने जीभ से अपनों का अपने कानों को भी साफ करता है। अ कैमेलियंस बॉडी इज ओनली हाफ द लेंथ ऑफ इट्स टंग। एक गिरगिट का शरीर इसकी जीभ का केवल आधा होता है, लंबाई में केवल इसकी जीभ का आधा होता है। पॉइजन, पॉइजन मीन्स होता है जहर। एनिमल्स लाइक बीज एंड वास्प हैव स्टिंग्स। जानवर जैसे कि मधुमक्खी और ततैया, इनके पास डंक होते हैं। दे यूज देयर स्टिंग्स टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। इनके पास डंक होते हैं जिसकी सहायता से ये अपने दुश्मनों के शरीर में जहर को डाल देते हैं। नेक्स्ट इज स्केल्स। स्केल्स मीन्स होता है धारियां। ए पेंगोलियंस बैक इज कवर्ड विद ओवरलैपिंग स्केल्स। एक पेंगोलियंस की बैक, एक पेंगोलियन की कमर ओवरलैपिंग स्केल से ढकी हुई रहती है। ओवरलैपिंग स्केल्स यानी एक के ऊपर एक धारियां। इट टस्क्स इट हेड बिटवीन इट्स लेग्स एंड रोल्स इट्सेल्फ इनटू अ बॉल व्हेन इट सेंस डेंजर। जब ये खतरे को महसूस करता है तो इसका यह अपना सिर अपने दोनों पैरों के बीच में कर लेता है और अपनी शरीर को एक बॉल की तरह रोल करता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट टाइम वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन यू रिवाइज इट। थैंक यू।